बालाघाट से खबर आई थी, बालाघाट में एक बूथ वहां पर 100% वोटिंग होगी। और ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर, एमपी की 6 सीटों पर मतदान खत्म हो गया, 3 बजे तक मतदान था, नक्सल प्रभावित सीटें थी, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग यहां पर थी मंडला डिंडौरी और बालाघाट में। और इसी वजह से देखिए बालाघाट में समय तो कम था नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते, लेकिन वहां पर मतदान खत्म हुआ लेकिन वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। समय कम होने के बावजूद भी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। ब्रिजमोहन अग्रवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, समझ में आ गया है कि भूपेश बघेल जो है वो खाली लबारी मारते हैं, करते कुछ नहीं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। देखिए एमपी की हम बात कर रहे हैं, 6 सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है। 6 सीटों की जहां की हम बात कर रहे हैं उसमें बेहर, लांजी, परसवाड़ा ये शामिल हैं जहां पर मतदान अब तक खत्म हो चुका है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में मतदान खत्म हो चुका है। पुनीत, जिक्र कर रहे थे हम बालाघाट का, देखिये बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है यहाँ पर, जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे था कि इतना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं ये एड ऑन करना चाहूंगा कि नक्सल प्रभावित बेल्ट को अगर हम उस बात को साइडलाइन भी कर दिया जाए तो हम ये देखते हैं और ये कई सालों से ये देखा जा रहा है कि शहरी मतदाता जो होते हैं वो वोट करने में सकचाते हैं, हिचकिचाते हैं, या क्या पता क्या उनके मन में चलता है, इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं। जबकि आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो जानते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, बढ़ चढ़ कर वोटिंग भी करते हुए नजर आते हैं और उसी का नतीजा जो है वो हम देख रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि बालाघाट में अच्छा बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अपराजिता हमारे जी जुड़ी हैं हमारे साथ और सचिन जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। हम लगातार सचिन जी सबसे पहले आप ही के पास आती हूं मैं। वोट परसेंटेज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अब तो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पे आपका रिएक्शन और जो